हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सुबह डिजिटल यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्जेंट में 500 रुपए का लोन कैसे लेना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको इमरजेंसी में 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए का लोन चाहिए तो वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे जो कि बिना इनकम प्रूफ, बिना सैलरी स्लिप के आपको इमरजेंसी में 500 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10000 रुपए का लोन आपको प्रोवाइड करता है। तो जैसे आपको पैसा हो जाता है तो आप इस कंपनी को पैसा वापस दे सकते हैं। तो इमरजेंसी में कैसे लोन मिलेगा, कैसे आपको बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, इस वीडियो में आपको लाइव बताने वाला हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और लास्ट में हम आपको एप्लीकेशन का नाम भी बता देंगे ताकि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टेंट 500 रुपये का लोन ले सकते हैं। अब यहां पे आपको अपना एक मोबाइल नंबर दे करके कंटिन्यू करना है या फिर आप गूगल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करते हैं और लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। तो कैसे करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप कीजिएगा, जो भी आपका नंबर होगा यहाँ पे एंटर कर देना है। ओटीपी देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करना होगा जो भी आपके फ़ोन में है। ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करना होगा। जो भी आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, यहाँ पे एंटर कीजिएगा। जो पैन कार्ड में आपका नेम है उसी को एंटर करना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो पैन कार्ड पर आपका नाम है उसको टाइप कर दीजिएगा, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कंटिन्यू कर दीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको एक लॉक लगा देना या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर देना, यहाँ पे बता रहा लोकेशन आपका ले रहा है और एसएमएस लेगा आपका। तो यहाँ पे रीड टू हम एक्सेप्ट कर देते हैं और यहाँ पे लोकेशन देख रहा है कि आप किस जगह से हैं। लोकेशन को हमारा ये ले चुका है। अब यहाँ पे जो आपका नाम वगैरह आ जाएगा और कितना लोन आपको अप्रूव हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखिए लोन कैसे मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ चेक एलिजिबिलिटी, अपलोड केवाईसी, गेट मनी नाउ। मतलब जैसे आपको चेक एलिजिबिलिटी करना है, दूसरा अपलोड करना है, केवाईसी करना है और तीसरा आपको मनी अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तीन स्टेप ही आपको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे देखिए 36 गेट अपटो और यहाँ पे गेट मनी नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, जो 10 डिजिट का आपके पास पैन कार्ड है उस नंबर को यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए पैन कार्ड का नंबर एंटर करते हैं। पैन कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपका नेम आ जाएगा, नेम आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटिन्यू करने का, तो आपको सिंपली कंटिन्यू कर देना है। ध्यान से देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, जो भी आपका है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा आपको, तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है 2222 और मार्च 3 15। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंटिन्यू का, सिंपली आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे जो है आप मेल है या फीमेल यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद लोन का पर्पज क्या है, जैसे शॉपिंग हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, बिजनेस पर्पज हो गया, मेडिकल हो गया, तो आप किस लिए लोन ले रहे हैं, तो बिजनेस पर्पज हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, शॉपिंग पर्पज हो गया। उसके बाद फादर्स का नेम आपको टाइप करना पड़ेगा, फैमिली डिटेल, जैसे कि मदर हो गया या फिर फादर हो गया, किसी का भी नाम आप यहाँ पे टाइप कर देना है। तो चलिए हम फादर नेम टाइप करके नेक्स्ट या कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपका एड्रेस पूछेगा। एड्रेस देने के बाद आपको इनकम डिटेल, यहाँ पे इसका कोई स्लिप लेता नहीं है लेकिन फिर भी आपको डिटेल पूछ रहा है तो यहाँ पे टाइप कर देना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि नॉट सैलरी एम्प्लॉयड है, आई विल पे फॉर सेविंग, मैं जो आपको पे करूँगा मैं अपने सेविंग से पे करूँगा, यहाँ पर मैंने रीजन दिया है। ठीक है, और कंटिन्यू कर देंगे। जैसे हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज खुलेगा। सो गाइस, सारे डिटेल आपको फिलअप करने के बाद कितना लोन आपको अप्रूव होता है यहाँ पे लोन ले लेना है। तो यहाँ पे 500 का लोन आपको मिल जाएगा, मिनिमम आपको 500 हज़ार, और यहाँ पे मैंने जो है 8000 का लोन लिया था तो मैं यहाँ पे आपको ऑफ़र नहीं दिखा पाया क्योंकि ऑलरेडी मैंने लोन ले रखा था, तो उसी का मैंने
वीडियो आपको बनाकर दिखाया है कि इस एप्लीकेशन से लोन आप ले सकते हैं, ये रियलिटी एप्लीकेशन है। तो मैंने इससे लोन ले रखा है 8,000 का, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाकर दिखाया है। तो आपको ऑफर शो कर जाएगा आपके पैन कार्ड के सिविल के हिसाब से, तो आप वहाँ पे जितना पैसा आपको ज़रूरत है उतना ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8,000, 10,000, 15,000, 50,000 तक यहाँ पे शो करेगा। तो आपको 500 रुपये चाहिए तो 500 रुपये सेट करके आप एक महीने के लिए ले सकते हैं और फिर उस पैसे को वापस दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लोन मिलता है दोस्तों। KYC आप कर सकते हैं, KYC करने के बाद तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। मैंने इस एप्लीकेशन से लोन लिया है तभी मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं।